हेलो देयर, इट्स मी कुमार सोनल। और आज हम लोग जानने वाले हैं कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉट इन अ फॉर्मल वे बट इन अ कम्प्लीटली इनफॉर्मल वे, विच इज़ द बेसिक नेचर ऑफ एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ सक्सेसफुल इन टूडेज वर्ल्ड। देखिए, बेसिकली दो तरीके का कम्युनिकेशन होता है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन में होता क्या है ना, ये ठीक एक स्टील फ्रेम जैसा है। मतलब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, आपने ज्वाइन किया, तो क्या है कि उसी में टर्म्स एंड कंडीशन कई बार लिखा हुआ रहता है, या फिर आपको सैलरी के साथ साथ क्या क्या परक्विजिट मिलने वाला है ये भी चीज़ वहाँ पे मेंशन रहता है। लेकिन मान लीजिए कि आप कभी इस तरीके की कोई दुविधा में पड़ जाते हो, और इसमें जिस तरीके की दुविधा में आप पड़ते हो, मान लीजिए कि वो चीज़ कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन से बाहर है। मतलब जैसे कंपनी ने लिखा था कि आपको जो है लाइफ कवरेज मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब आप थोड़ा सा भी सही लेकिन विकलांग या दिव्यांग की कैटेगरी में आ जाओगे। विकलांग एक्चुअली बोलना ठीक नहीं लगता है, सरकार ने भी इस चीज़ को बंद किया हुआ है और ये सही नहीं है बोलना, दिव्यांग, तो उनकी कैटेगरी में जब तक आ जाओगे। लेकिन आपका मान लो कि एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है, बट आपकी सैलरी उस लायक नहीं है कि वो चीज़ कवर अप हो जाए आपकी सैलरी से, वो भी फटाफट से, और इसके बावजूद कंपनी ने एकाएक आपको बोला कि अच्छा आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया, आप काफ़ी मेहनती हो इसलिए आप इतना रखो, या फिर इस चीज़ का खर्च जो है ये कंपनी उठाएगी। ये है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कि मतलब बियॉन्ड द लाइन जाकर के कोई चीज़ करना और कुछ भले के लिए करना। इससे होगा क्या ना कि आपका ट्रस्ट उस कंपनी के प्रति और मजबूत हो जाएगा, कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरी कंपनी बहुत अच्छी है। पहला चीज़ कि आप उसको छोड़ के नहीं जाओगे, दूसरा चीज़ आपका ट्रस्ट उसने बढ़ाया, कंपनी का भी फायदा हुआ कि उसने एक परमानेंट एम्प्लॉय पा लिया, आपका भी फायदा हुआ कि आप ऐसे एक कंपनी का हिस्सा बन गए हो जहाँ पे ह्यूमैनिटी मरा नहीं है। नहीं तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो बाहर से कुछ और दिखते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। जैसे बाहर से उनका शो ऑफ इतना तगड़ा रहता है ना, वो एकदम फुल पॉम्प एंड शो, कि जिससे ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें ह्यूमैनिटी ही ह्यूमैनिटी भरा पड़ा है। लेकिन एक्चुअली में जब आप कभी तकलीफ में आते हो तब आपको मालूम लगता है कि जितना उसने टर्म्स एंड कंडीशन बनाया उसके अंदर भी कोई सब टर्म्स एंड कंडीशन उसने जोड़ रखा है जिसके थ्रू से आप कोई भी फायदा नहीं उठा पाओगे। ये जो प्रोविडेंट फंड और ये सब होता है, ये तो सरकार ने ये नियम बना रखा है करके उन्हें बाध्यकारी रूप से देना पड़ता है, नहीं तो हर एक कंपनी चाहे कैसी भी कंपनी हो मोटिव एक ही रहता है और वो है प्रॉफिट अर्निंग का। प्रॉफिट किस तरीके से अर्न किया जाएगा, बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो कुछ ना कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं कि ये उनको अंदर से इच्छा है, ये इसलिए ना क्योंकि सरकार इसमें बहुत सारा टैक्स बेनिफिट्स देती है, जैसे टैक्स हॉलीडेज और भी कई सारे लाभ देती है। वो कंपनी इस चीज़ का लाभ उठाने के लिए वो वेलफेयर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाती है कुछ टाइम के लिए, ये चक्कर है बेसिकली। लेकिन हम लोग कम्युनिकेशन का डिस्कशन कर रहे थे, तो आप एक चीज़ समझिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो और वहाँ पे सारा चीज़ एकदम नियम कानून के हिसाब से चलता है। अच्छा, नियम कानून के बाहर चलना इसका मतलब हमेशा इल्लीगल एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व होना ये ज़रूरी नहीं है। जैसे सपोज़ कि आपकी सैलरी है 30,000, आपके नीचे जो अर्दली है उसका जो सैलरी है वो है 10,000। अब उसके घर में कोई बीमार पड़ गया या कुछ ऐसा बात हो गया, अब उसे पैसों की ज़रूरत है और उसकी हालत इस लायक नहीं है, क्योंकि फैमिली बहुत बड़ा है तो उसकी हालत इस लायक नहीं है कि वो आपको चुका पाएगा, और आप एकाएक से क्या बोलते हो कि एक काम करो तुम ये 10,000 रखो, कोई देने का ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, आराम से रखो। ये है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब एक तरीके का ह्यूमेन नेचर। ठीक है, जिस भी कंपनी में इस तरीके का नेचर को अपनाया जाता है ना, ये कंपनी हमेशा ग्रो करती है। देखिए, हम लोग जब भी अपने टीचर्स के साथ कहीं बाहर जाते हैं या फिर अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कहीं बाहर जाते हैं, तो हम लोग एक मुखौटा उस वक्त चढ़ा के रखते हैं। उस वक्त आप चाह के भी, जैसे दोस्तों के आप साथ हो तो आप कई बारी गालियाँ भी दोगे, है ना, ये चीज़ अपने टीचर्स के साथ रहते हुए में नहीं देते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये मुखौटा ही तो है। और वहीं पर जब आप अपने घर वालों के साथ रहते हो तो सिर्फ गाली गलौज को अगर साइड कर दूँ तो आप रियल रहते हो, है ना, जब गुस्सा आ रहा है एक्चुअल में वो गुस्से को शो कर रहे हो आप,
जब कैसा भी लग रहा है, आपका मूड जिस हिसाब से चेंज हो रहा है, आप बिल्कुल वैसा बिहेव करते हो। ये प्रॉपर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है और इसमें आपको अच्छा लगता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे कहीं पे भी, मैं जैसे बाहर घूमने के लिए जाता था, अभी तो नहीं जाता हूँ बहुत टाइम से, लेकिन जब जाता भी था तो भी मैं हमेशा फैमिली के साथ जाना प्रेफर करता था, क्योंकि कुछ भी करूँगा अपने हिसाब का करूँगा, मज़ा आएगा, ये सब चीज़। और अगर मान लीजिए आप किसी ऑफिस में हैं और कोई ऑफिशियल पार्टी ये सब हो रहा है, तो वहाँ पे भी एक तरीके का फॉर्मेलिटी देखने को मिलता है। मतलब आप वहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि एकदम कपड़े उतार करके, आपको नाचने का मन कर रहा है तो आप एकदम बाराती में जैसे नाचते हैं लोग, वैसे आप भी शुरू हो लिए, ये नहीं कर सकते हो आप, है ना। वहाँ पे एक डेकोरम आपको मेंटेन करना पड़ता है। ये कुछ हद तक तो अच्छा है, क्योंकि ये डेकोरम, ये स्ट्रिक्टनेस, ये ज़रूरी है, तभी जाके एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकता है। क्योंकि सोचिए आप, मान लीजिए जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने ज्वाइन किया है, उसने ये चीज़ कहा कि आना तो है 8 घंटे तक, लेकिन आप अपने हिसाब से आओ, लेकिन आ जरूर जाना, हाँ बाकी मैं सैलरी दे दूँगा। तो आप तय मान करके चलिए, जिस दिन वो जो उठ के आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा ना, ऐसे ही थोड़ा सा कि अरे आज जाने का मन नहीं कर रहा है, आज कैसा एक लग रहा है आलसी जैसा, तो आप माने हफ्ता भर में हो सकता है आप 2 ही दिन बच जाओगे, तो ऐसे में तो कंपनी ही डूब जाएगी। या फिर सरकारी काम भी होगा तो इतना बाधा आएगा कि पूरा देश ठप पड़ सकता है ऐसे मामले में। तो यहाँ स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी है, लेकिन कम्युनिकेशन में स्ट्रिक्टनेस कई बारी हमें हानि भी पहुँचा सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी सुपीरियर पोजीशन पे हैं और कोई हमारा सबॉर्डिनेट स्टाफ है, कुछ काम हमसे लेना है। अब यहाँ 2 तरीके से बोला जा सकता है, एक तो ये कि ये काम हो जाना चाहिए, एकदम अभी हो जाना चाहिए। ये स्ट्रिक्टनेस कहीं कहीं पर ज़रूरी होता है और कहीं कहीं पर लैंग्वेज ही ऐसा रहता है, ठीक है। जैसे सरकारी फर्म्स में ये जो क्लास 1 या क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर्स रहते हैं ना, ये इसी तरीके से बोलते हैं, ये काम देख लीजिए, ये हो जाना चाहिए। उतना भारी आवाज़ में नहीं भी बोलेंगे तो उनके शब्दों में ही इतनी गंभीरता होती है कि सामने वाला का मजाल नहीं है कि वो कह दे कि नहीं ये वाला नहीं करने के, ये तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को ऐसा भी कह सकते हो कि ये फॉर्मेलिटी है विद इन द इनफॉर्मेलिटी। अगर वो ऐसा भी बोलते हैं कि यार कैसे हो, अरे ये काम थोड़ा कर दो यार, या इस तरीके से भी बोलेंगे, तो सामने वाला ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं ठीक है मैं बाद में कर दूंगा, वैसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे इन्होंने इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, बट उसके अंदर में छिपा हुआ जो फॉर्मल लैंग्वेज है ना, वो भारी पड़ गया, है ना। लेकिन देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कहीं पे भी जहाँ पे आप वर्क करते हो, जैसे दुकानों में आप देखिए कौन सा दुकान ज़्यादा चलता है, वो जहाँ का सेलर इस तरीके से बात करता है कि आपने एक सामान देखने को खोजा, उसने दिखाया, दूसरा सामान आपने मांगा, अरे कितना देखिएगा यही सब है, तो वैसा थोड़ी होता है कि बार बार आपको कितना सामान दिखाएंगे। तो ये हो गया चिड़चिड़ा कम्युनिकेशन। इनफैक्ट वी कान टेक इट एज अ कम्युनिकेशन, इट इज़ मिस कम्युनिकेशन, उसे बात करना आता ही नहीं है, इसीलिए उसने ऐसा कहा। वहीं पे कई सारे दुकानदार ऐसे रहते हैं ना, आप जैसे ही आ जाओ, और कैसे हैं, अच्छा चाहिए चाहिए था, हाँ ठीक है देखिए, अरे एक दो क्या आप लीजिए ना, और भी कितने सारे वैरायटीज़ हैं। और फिर मान लीजिए आप जाते वक्त बोलते हो कि अच्छा लेकिन अभी तो मुझे नहीं लेना है, मैं बाद में लूँगा, उस वक्त ना कई सारों का कम्युनिकेशन बदल जाता है। जैसे वो कई बारी बोलेंगे अरे तो बेकार ही आप इतना निकलवा दिए, या ऐसा करके। और कई सारों का ऐसा रहता है उस वक्त भी मुस्कुराहट बरकरार रहती है, ओ कोई बात नहीं आप देख तो लिए, जब इच्छा करे आ जाइए। इस जैसे दुकानदारों का जो बिजनेस है ना, ये कभी ठप नहीं हो सकता, ये लोग ग्रो करते ही चले जाते हैं। चाहे आप कोई दुकानदार हो या किसी ऑफिस में भी अगर आप काम करते हो ना, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो बोलने का तरीका है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इनफैक्ट यही चीज़ आपका पहचान भी कई बारी बता देता है। जैसे अगर आप इस तरीके से बात कर रहे हो ना कि अरे मैंने ये कर लिया वो कर लिया, हाँ वहाँ पे इतनी ज़मीन है, वहाँ उतना दुकान है, पूरा 6-7 दुकान है और ये वो, ऐसा करके, तो सामने वाला ना आपको पकड़ लेता है कि या तो आप पहले बहुत ज़्यादा दरिद्रता में रहे हो जिससे आप संभाल ही नहीं पा रहे हो उस चीज़ को, और या तो आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा उस तरीके का है कि जहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, वाचाल जिसे हम लोग कहते हैं ना, अत्यधिक बोलना बिना मतलब का, तो इस तरीके का। वहीं पे कोई पूरा गंभीरता से बैठा हुआ है, आपकी बातें सुन रहा है, जितना ज़रूरत है उतना बोल रहा है, तो वहाँ पे उसके लिए लोगों का कैसा नज़रिया बनता है कि नहीं ये थोड़ा गंभीर पर्सन है, मतलब ठीक ठाक ही होगा शायद,
या ऐसा, कम से कम लोग आपको खराब नहीं समझेंगे। क्योंकि देखिए, आप अकेले सिर्फ अपना नहीं, अपने पूरे फैमिली का पहचान लेके चलते हैं, इसलिए किसी को भी कुछ बोलते हैं या फिर किस तरीके से बिहेव करते हैं, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए। सामने वाला मान लीजिए अगर बुरे तरीके से पेश आ रहा है, बदतमीजी कर रहा है, कहीं पे मान लीजिए झगड़ा हो गया, आप छुड़ाने के लिए गए हो, वो गाली गलौज कर रहा है, या फिर ऐसा थप्पड़ मार लीजिए बट गाली मत दीजिए। सच बता रहा हूँ, थप्पड़ आप मार दोगे ना तो यहाँ लगेगा, कुछ टाइम के बाद भूल जाएगा। आप गाली दीजिएगा ना, उसको एक तो इधर लग सकता है, और दूसरा चीज़ क्या ना कि उससे उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा, उस पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो आसपास के लोग रहेंगे ना, उसके नज़र में आपकी जो इमेज है वो ज़रूर गिर जाएगी कि अच्छा ये भी उसी कैटेगरी का है फिर। तो ये था पूरा फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। होप कि आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल ही सरल भाषा में मैंने समझाया है। और अगर समझ में आया है ना, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और देखते रहिए थॉट्स ऑफ सोनल।